हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि दसवीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों आज की खबरों में जानेंगे आम आदमी के लिए सरकार की तरफ से लिए गए 5 बड़े फैसले। पड़ोसी राज्यों की तुलना में अब इस राज्य में सस्ती दर पर मिलेगी बिजली, मुख्यमंत्री की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं सरकारी स्कूलों में भी एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा, माता पिता पर होगी अब ये नई जिम्मेदारी। और वहीं दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए तक की कटौती को लेकर आज एक और नई रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, अब आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के डिटेल्स ज्यादा सुरक्षित होंगे। इन सभी समाचार को भी विस्तार से देखेंगे और साथ ही आइए देखते हैं फटाफट से आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। दोस्तों आज के दिन को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस। आज से ठीक 44 साल पहले ये दिन मनाने की शुरुआत हुई थी। 1970 में UN ने इस दिन को मंजूरी दी थी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। सबसे पहली बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, सरकार ने मजदूरों को दिवाली बोनस दिया है। 1 अक्टूबर से अब उन्हें ज्यादा मजदूरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले दिवाली दशहरा त्योहारों से पहले सरकार की तरफ से कामगार लोगों को यह बड़ा तोहफा दिया गया और उनकी न्यूनतम मजदूरी में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ते VDA में संशोधन करके ये न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। और ऐसे में अलग अलग तरह के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर अब कितनी तय कर दी है ये टेबल में आप देख सकते हैं। अकुशल श्रमिकों का मिनिमम वेतन 783 रुपए दैनिक होगा, मतलब प्रतिदिन। मासिक वेतन 20,358। इसी तरह से अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए 868 प्रतिदिन। कुशल लिपिकीय शस्त्र के बिना चौकीदारी करने वाले वर्कर के लिए 954 रुपए और उच्च कुशल और शस्त्र के साथ चौकीदारी करने वाले श्रमिकों के लिए 1,035 रुपए मिनिमम प्रतिदिन इतनी तनख्वाह देनी होगी। ये मजदूरी दरें क्षेत्र ए के लिए हैं, जिसमें निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक हो गए, झाड़ू साफ सफाई, लोडिंग अनलोडिंग यानी हेमाली करने वाले मजदूर वगैरह। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं अकुशल श्रमिक, उनके लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है ना। और आने वाले महीने 1 अक्टूबर से ही यानी 4-5 दिन बाद अगले महीने से ये नई दरें लागू हो जाएगी। और भी आप इस सरकारी फैसले के बारे में विस्तृत जानकारी गवर्नमेंट के इस पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का भी उद्घाटन किया और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि का भी जिक्र किया। जी हाँ, भारतीय वैज्ञानिकों ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर बनाए हैं। ये सुपर कंप्यूटर दिल्ली, पुणे और कोलकाता में लगाए गए हैं। साथ ही अर्का और अरुणिका 2 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम का भी उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। और इस मौके पर देश के वैज्ञानिक समुदाय, इंजीनियरों को और सभी देशवासियों को बधाई भी दी। ये जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम होगा, इसका इस्तेमाल भारत में मौसम और जलवायु परिवर्तन, इनके पूर्वानुमान को जानने के लिए किया जाएगा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की। इस मौके पर पीएम मोदी बोले कि हमारी सरकार साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है और 2035 तक हमारा खुद का स्पेस स्टेशन भी होगा। इसरो का भी प्लान है दोस्तों, भारत का शुक्रयान साल 2028 में लॉन्च होगा। ये 4 साल का मिशन होगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, तो इसरो अब मून और मंगल मिशन के बाद शुक्र मिशन भी लॉन्च करेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार का बड़ा फैसला, अब आपके आधार कार्ड पैन कार्ड इन डॉक्यूमेंट के डिटेल्स और ज्यादा सुरक्षित होंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कई सारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को ब्लॉक किया गया है। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने आम नागरिकों के डेटा को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ ऐसी वेबसाइट है जो कि भारतीय नागरिकों के आधार कार्ड पैन कार्ड के डिटेल को पब्लिकली उजागर कर रही है, तो इन सभी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक किया जाएगा। सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिया। चलिए अगली खबर देखिए, भारत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 15 सदस्यीय ग्लोबल संचालन समिति के लिए भारत देश को चुना गया है। ये हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। इसका फैसला चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित पूर्ण अधिवेशन के दौरान लिया गया। जैसे भारत ने मतलब G20 का आयोजन किया था ना, वैसे ही अब भारत ये 15 सदस्यीय ग्लोब संचालन समिति का भी आयोजन करेगा। चलिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए अच्छा अपडेट आ रहा, 1 अक्टूबर से शुरू होगी MSP रेट पर धान की खरीदी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सरकार खरीद के लिए तैयार है और इसके लिए खरीद केंद्र भी बना दिए गए हैं। वैसे झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी किसानों को बड़ा तोहफा दिया। लगभग 2.25 लाख किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 400 करोड़ से भी ज्यादा का कृषि लोन माफ कर दिया है। ये वाकई में किसान भाई लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है झारखंड सरकार का। जिन किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन बकाया है, उसे माफ करने की घोषणा कर दी है झारखंड सरकार ने। क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है सरकार उद्योगपति कारोबारियों को बैंक लोन में कई तरह की छूट दे देती है, लेकिन किसानों को नहीं देती है, तो ये इस बार किसानों के लिए झारखंड सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार की आधारभूत संरचना पर सराहना की, हालांकि फिर भी वो बोले कि अब भी बहुत कुछ काम बाकी है। और वहीं दोस्तों ईडी और CBI के कुछ बड़े एक्शन देखिए। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर कसा सिकंजा, फ्रीज किए 25 करोड़ रुपए, 400 करोड़ की धोखाधड़ी का एक बड़ा खुलासा सामने आया। ईडी की तरफ से 5-in ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ ये बड़ी कार्यवाही करते हुए 25 करोड़ की संपत्ति को तो फ्रीज कर दिया और आरोप है कि इस ऐप के जरिए तकरीबन 400 करोड़ की धोखाधड़ी की गई आम लोगों के पास और इसका पैसा चीन में पहुंचाया गया। अभी ईडी की जांच चल रही है। मैं आपको आए दिन ऐसी खबरें बताता रहता हूं दोस्तों, कभी भी ऐसे गेमिंग ऐप के जांच में ना फंसे ना। वहीं CBI का एक और एक्शन देखिए, कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर और निदेशकों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ, 525 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। CBI ने
यस बैंक की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। और खबर है यूट्यूबर एलविस यादव और सिंगर फाजिल पुरिया पर भी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश हरियाणा में इनकी कई सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि लगभग 55 लाख की संपत्तियां ईडी ने जब्त की है। चलिए खबर देखिए, महाराष्ट्र में जेल जाएंगे संजय राउत, मानहानि मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत की तरफ से ये शिवसेना राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी करार दिया मानहानि केस में। वही देखिए दोस्तों, मेक इन इंडिया की पहल पर सरकार ने मोबाइल फोन के निर्यात के आंकड़े भी जारी किए। बताया कि पिछले 10 सालों में 7500% बड़ा मोबाइल फोन का निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने की पहल पर ब्लॉग लिखकर ये सफलता की कहानी भी बताई। कल ही मैंने आपको डिफेंस वगैरह के आंकड़े भी बताए थे, भारत ने अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया पिछले कुछ सालों में, है ना। वही दोस्तों, गोल्ड लोन पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि सालाना 8.5% की दर से बढ़ रहा गोल्ड लोन का मार्केट। इस साल भी बैंक गोल्ड लोन के माध्यम से 10,00,000 करोड़ रुपए बांटेंगे, क्योंकि दोस्तों गोल्ड एक सिक्योर एसेट होती है, इसलिए बैंक गोल्ड के बदले आसानी से लोन भी दे देते हैं बैंक और एनबीएफसीज, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, हुनर इंडिया अंडर 35 की लिस्ट में ईशा और आकाश अंबानी भी शामिल हुए, और शेयर चैट के अंकुश सचदेवा सबसे कम उम्र के इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बने हैं। फिजिक्स वाला के अलक पांडे भी इस लिस्ट में शामिल हुए। ये हुनर इंडिया अंडर 35 की सबसे कम उम्र की 7 महिलाओं की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही युवाओं के रोजगार को लेकर। देखिए श्रम मंत्रालय और अमेजन कंपनी ने एक बेहद महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत आने वाले 18 महीनों में 20 लाख नौकरियां मिलेगी हमारे देश में। खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से ये रिपोर्ट की जानकारी दी गई। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन और श्रम मंत्रालय के बीच एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत अमेजोन कंपनी साल 2025 के अंत तक भारत में 20 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा भी किए हैं। अभी अमेजोन की फेस्टिवल सेल भी काफी चर्चा में है, आगे बताऊंगा मैं आपको अपडेट इसके ऑफर वगैरह की डिटेल भी। फिलहाल देखिए दोस्तों, भारत देश के लिए एक और अच्छी खबर आ रही। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों बोले कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संस्था में सुधार की जरूरत है। जापान जर्मनी समेत 2 अफ्रीकी देशों की सदस्यता का भी समर्थन किया इन्होंने। और वही खबर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के लड्डू विवाद पर खबर आ रही कि 28 सितंबर को मंदिर जाएंगे जगन रेड्डी। टीडीपी बोली कि पहले दस्तखत करें, बोले कि बालाजी में आस्था है, सीएम रहते ऐसा नहीं किया। मतलब देखिए अब इस विवाद पर पॉलिटिक्स छिड़ चुकी है। और अगला अपडेट है सीबीएसई स्टूडेंट के लिए। देखिए अब सीबीएसई के स्कूलों में साल में 10 दिन नो बैग डे रहेगा, मतलब इन 10 दिनों में बच्चों को स्कूल का बस्ता बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब ये नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, और इन 10 दिनों के दौरान बच्चे बच्ची स्कूलों में गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेंगे, मतलब खेलेंगे कूदेंगे कुछ नए सांस्कृतिक कार्य करेंगे, लेकिन बच्चों को बैग का बोझ नहीं ढोना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो ऑन एवरेज महीने में एक दिन बस्ता नहीं ले जाना पड़ेगा बच्चों को, है ना। वैसे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम डेट पर भी अपडेट आना, 15 फरवरी 2025 से शुरू हो सकती है 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, 4 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वहीं दोस्तों शिक्षा को लेकर एक और बड़ा बदलाव देखिए आप, 2025-26 के सेशन से कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक नई किताबें लागू होगी। 12वीं कक्षा के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किया गया है। गुजरात शिक्षा बोर्ड की तरफ से यह बदलाव लागू किया जा रहा है, और इसके तहत 19 नई किताबें लागू की जाएगी, जबकि मौजूदा किताबों को पूरी तरह से रद्द किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप नए पाठ्यक्रम के बारे में कुछ डिटेल जानकारी भी, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको गुजरात बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी, है ना। वहीं देखिए एक बड़ी दुख भरी खबर दोस्तों, बिहार में जीवतिया पर्व के दौरान डूबने की वजह से 43 लोगों की जान चली गई, इनमें 37 तो बच्चे हैं। बिहार के 16 जिलों में अलग अलग जगहों पर हादसे हुए, सबसे ज्यादा औरंगाबाद में 10 बच्चों की जान गई। दरअसल दोस्तों बिहार में जीवतिया एक पर्व त्योहार जैसे होता है, और इस दिन लोग बाग नदी झील नहर तालाबों वगैरह में नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन देखिए जरा आप, कई बच्चे बच्चों और कई बड़े लोगों की भी डूबने से जान चली गई। तो दूर से नहा लें, किनार पर बैठकर अगर आपको तैरना नहीं आता तो कभी भी गहरे पानी में ना उतरे, है ना। और वहीं दोस्तों किसान आंदोलन पर भी खबर आ रही कि हरियाणा चुनाव में फिर से किसान आंदोलन जिंदा हुआ। अभी 2-3 दिन से तो कंगना रनौत के बयान से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। किसानों की यूनियन खाफे बोली कि बीजेपी को लोकसभा जैसा सबक सिखाएंगे हरियाणा चुनाव में। वहीं बड़ी खबर आ रही अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से, देखिए रूस पहली बार अपनी परमाणु नीति में बदलाव करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना कि अब अगर हवाई हमले भी हुए हमारे ऊपर तो न्यूक्लियर अटैक से जवाब देंगे, रूस को बचाने के लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोस्तों रूस यूक्रेन का युद्ध परमाणु हमलों में बदल सकता है, और उसके बाद दुनिया में एक बार फिर से वर्ल्ड वार छिड़ सकती है। हालातों को देखकर तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइए देखिए मुझे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश भर में एक बार फिर से आक्रोश मार्च निकाला गया। केंद्रीय बलों समेत सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन देने की मांग की गई। कल 26 तारीख को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर सरकारी कर्मचारियों के अलग अलग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों ने भी आक्रोश मार्च निकाला। कर्मचारी बोले कि यूपीएस योजना कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए है। आखिरकार कर्मचारियों ने एक बार फिर से ये पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। केंद्र और राज्य कर्मचारी संघ ने भी रैली निकाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अलग अलग जिला मुख्यालयों को ज्ञापन भी सौंपा गया। अभी हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच पुरानी पेंशन का ये आक्रोश फिर से बढ़ने लगा है। निकाय कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन की रणनीति और तेज की है। अब देखते हैं सरकार की तरफ से क्या फैसला आया। जो भी निर्णय आता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा दोस्तों इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। अगर अभी तक भी आप इस चैनल से जुड़े हुए नहीं है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप कभी कोई
शाम की महत्वपूर्ण खबरें मिस नहीं कर पाओगे ना। चलिए अगला अपडेट है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर लद्दाख में सियाचिन बेस कैंप पहुंची, यहां इंडियन आर्मी के जवानों से बातचीत भी की, उनका मनोबल बढ़ाया। और वहीं दोस्तों केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, नागालैंड के 8 जिलों में और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में अफस्पा कानून को 6 महीने तक और बढ़ा दिया। अगले 6 महीने तक मतलब अफस्पा के नियम लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। अभी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के इन जिलों में अफस्पा कानून लागू है। अफस्पा का मतलब है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, मतलब इन राज्यों में आर्मी की स्पेशल पावर लागू रहती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, इंडियन रेलवे ने नई सौगात दी, यात्री और माल ढुलाई का अब कॉम्बो होगा, मतलब एक साथ यात्री भी सफर कर पाएंगे ट्रेनों में और ट्रेनें उसी दौरान मालगाड़ी का काम भी करेगी। क्योंकि डबल डेकर ट्रेनों में अब रेलवे ये बड़ा बदलाव करने जा रहा, क्योंकि डबल डेकर में अब ऊपर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी और नीचे माल ढुलाई के लिए रेक भी लगाए जाएंगे। तो ये इंडियन रेलवे कॉम्बो ट्रेनें चलाने जा रहा है ना। वहीं दोस्तों ट्रेन हादसों को रोकने के लिए भी रेलवे की तरफ से एक नया प्लान बनाया गया है, 60 मिनट में यात्रियों को इस तरह से बचाएगी रेलवे की टीम। आए दिन आपको पता होगा ट्रेन की पटरियों पर हर कुछ अंटम संटम डाल जाते कुछ असामाजिक तत्व, तो ऐसे में दोस्तों अब ट्रेन की पटरियों यानी कि रेलवे ट्रैक की निगरानी के लिए भी इंडियन रेलवे स्पेशल टीम का गठन करने जा रहा है, ताकि रेल हादसों को पहले से ही बचाया जा सके, रोका जा सके, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, सरकार कर रही स्किल वाउचर सिस्टम लागू करने की तैयारी, 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा इस मिशन के तहत और देश के युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। फिक्की के ग्लोबल स्किल समिट 2024 में कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी की तरफ से यह घोषणा की गई है और युवाओं में लड़के लड़कियों में स्किल बढ़ाने के लिए 6ठी से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को भी संशोधित किया गया है, ये भी सरकार का प्लान है। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि स्वच्छ और सुरक्षित पानी का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, लेकिन भू वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 20 सालों में दुनिया भर में खास करके भारत में भी जल संकट भयावह हो सकता है, मतलब साफ सुथरे पीने के पानी की बड़ी किल्लत देखने को मिल सकती है। चलिए अगली खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में घोषित हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की नई तारीख, दोनों पक्षों की निगाहें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी रहेगी। वैसे तो दोस्तों इस केस को लेकर सुनवाई 23 सितंबर को होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नई तारीख 15 अक्टूबर दी गई है। इस दिन यूपी के लाखों युवाओं का इंतजार अब खत्म होगा। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नया क्या फैसला सुनाया जाता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, अमेजोन पर शुरू हुई साल की सबसे बड़ी सेल, स्मार्टफोन लैपटॉप टीवी मोबाइल समेत कई सारी चीजों पर आप अच्छा खासा ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ये सेल आज 27 सितंबर रात 12 बजे से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो 4-5 दिन तक ये सेल चलेगी, तब तक आप ऑनलाइन शॉपिंग में ये ऑफर का फायदा ले सकते हैं। वैसे इस बार अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में SME के भी 9,500 से ज्यादा नए प्रोडक्ट लिस्ट किए गए हैं ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने। वहीं फ्लिपकार्ट की भी द बिग बिलियन डे सेल आज से शुरू हो चुकी है, आईफोन 15 वगैरह पर अच्छा खासा ऑफर का फायदा ले सकते हैं आप फ्लिपकार्ट पर। चलिए अगली खबर है, अब इंडिया बनेगा सिंगापुर, SBI के इस कार्ड से बिना खाता खुलवाए भी आप सिंगापुर में पेमेंट कर पाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से एक ग्लोबल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया और इस खास कार्ड को फोन पे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आसानी से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं और इस कार्ड से आप इंटरनेशनली आसानी से पेमेंट कर पाएंगे, चाहे आप सिंगापुर घूमने जा रहे हो या कहीं और। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए, इस राज्य के छात्र अब पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप पर नहीं शेयर कर पाएंगे नोट्स, केरल उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से यह फैसला सुनाया गया। व्हाट्सएप या अन्य किसी सोशल मीडिया पर नोट्स शेयर नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, केरल सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया और सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को सख्त निर्देश भी जारी किया है इस संबंध में। वहीं टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, इंस्टाग्राम ने रोल आउट किया एक नया फीचर, अब DM में आए रील्स पर भी आप रिप्लाई कर पाएंगे। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए गुजरात के वडोदरा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अचानक तूफान आया, 4 लोगों की जान चली गई। मुंबई में भी भारी बारिश और जलभराव में अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की जान गई और वडोदरा में आए इस तूफान की वजह से 57 बिजली के खंभे और 300 से ज्यादा पेड़ भी उखड़ गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। कुछ राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप, मध्य प्रदेश में राजगढ़ में बिजली गिरने की वजह से एक दंपति और बेटे की जान चली गई। MP के 19 जिलों में बारिश हुई, खंडवा में 9 घंटे तक पानी गिरा। राजस्थान में अब मानसून का आखिरी दौर शुरू हो चुका, उसके बावजूद 11 जिलों में आज भी बरसात का अलर्ट है। हरियाणा का मानसून अपडेट देखिए, राज्य में 5 जिलों में खराब रहेगा मौसम, गग्गर नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा। छत्तीसगढ़ में दोस्तों जशपुर में तेज बारिश में सड़क पुल वगैरह भी बह गया। कोरबा में भी बिजली गिरने की वजह से एक किसान की जान चली गई। बिलासपुर सरगुजा समेत कई जिलों में बरसात हुई। बिहार का मानसून अपडेट है, कटिहार में उफान पर चल रही गंगा कोसी नदी, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी कैंसिल करना पड़ा इसके चलते। पटना मुजफ्फरपुर में बारिश हुई, आज भी बिहार के 12 जिलों में अलर्ट है। पंजाब चंडीगढ़ में भी आज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के भी 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। पावटा में जतौन डैम के गेट खोलने के बाद तबाही सिमट गई, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। झारखंड के भी 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। झारखंड के साहिबगंज में देखिए 50 से ज्यादा गांव में गंगा नदी का पानी पहुंच गया, हजारों लोगों ने अपना घर भी छोड़ा, इतनी ज्यादा बाढ़ के हालात पैदा हो गए। और इधर गुजरात में भी नर्मदा डैम के गेट तीसरी बार खोले गए, क्योंकि मध्य प्रदेश गुजरात में भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर चल रही है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, तो आज 27 सितंबर को 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट है, बाकी इन कुछ राज्यों में हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। और चलिए
मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना एक बार फिर से 75,750 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इस सप्ताह सोना 1657 रुपए तक महंगा हो चुका, जबकि चांदी में भी आज 1792 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। चांदी का रेट तो बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, अभी 92,522 रुपए प्रति किलो। अगर आप सोना चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, ज्वेलरी वगैरह, तो दोस्तों प्लीज अभी ना खरीदें, थोड़ा रुकें, थोड़ा इंतजार करें। थोड़ी गिरावट आएगी क्योंकि थोड़ा बहुत तो रिट्रेसमेंट लेगा, अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, लाइफ टाइम सबसे ऊपर के रेट चल रहे हैं अभी तो। मार्केट का भी अपडेट देख लीजिए साथ का साथ। सेंसेक्स 85,930 और निफ्टी ने 26,250 का ऑल टाइम हाई बनाया। ऑटो सेक्टर के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई। वही खबर है दोस्तों, चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई की सीटीओ मीरा मुराती ने इस्तीफा दिया। दो और टेक्निकल लीडर्स ने भी कंपनी छोड़ी, तो ओपन एआई के सीईओ ऑल्टमैन बोले कि हर चीज के लिए धन्यवाद मीरा। निवेशकों के लिए खबर है, डिफ्यूजन इंजीनियर्स का आईपीओ ओपन हुआ, 30 सितंबर तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर केस पर खबर आ रही। जूनियर डॉक्टर्स ने बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखा और कहा कि उनकी मांगों पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि बंगाल सरकार हमें सम्मेलन करने से भी रोक रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 27 सितंबर को सम्मेलन करने की अनुमति वापस ले ली है सरकार ने। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक अध्ययन सामने आ रहा, वैज्ञानिकों की स्टडी में खुलासा हुआ कि मीथेन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका दुनिया भर में सबसे आगे है। कटौती के वादे के बाद भी अमेरिका का ग्रीन हाउस गैस छोड़ना जारी है। वैज्ञानिकों की और एक रिपोर्ट देखिए बच्चों को लेकर, कि दुनिया में एक तिहाई बच्चे और किशोरों की नजर कमजोर है, मतलब उनको आंखों से कम दिखता है। साल 2050 तक मायोपिया के मामले 74 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। मायोपिया मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें दूर की वस्तुओं को साफ तौर से देखने में परेशानी आती है बच्चे बच्चों को, तो ये बीमारी का शिकार हो जाएंगे 74 करोड़ बच्चे दुनिया भर में। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि आजकल की लाइफस्टाइल, बच्चे बच्चे मोबाइल फोन ज्यादा देखते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट पर चिपके रहते हैं। यही वजह है कि साल दर साल नजर कमजोर होने के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। गरीब देशों में हाल काफी ज्यादा बेहाल है, लड़कियां इससे और ज्यादा प्रभावित होती हैं। इसलिए बच्चे बच्चों को थोड़ा आउटडोर गेम्स खिलाएं, दिन भर स्मार्टफोन पर गेम खेलने के बजाय। चलिए अगला अपडेट देखिए। वाहनों में स्टार रेटिंग को लेकर 3 केंद्रीय मंत्रालयों को एनजीटी ने नोटिस जारी किया, 10 जनवरी तक देना होगा जवाब। खबर है कृषि मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए, कहा कि इस साल अनाज उत्पादन रिकॉर्ड ऊपर पहुंच गया, 33.2 करोड़ टन का उत्पादन हुआ। चावल की भी बंपर फसल हुई, गन्ना उत्पादन 4.25 करोड़ टन घटा है। तो दोस्तों इन आंकड़ों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनाज वगैरह आटा वगैरह सस्ता होगा थोड़ा, लेकिन गन्ना का उत्पादन कम हुआ तो इस वजह से चीनी शुगर गुड़ वगैरह इनके दाम बढ़ सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हमारे देश में बनी मीडियम मशीन गन यूरोपीय देशों को निर्यात की जाएगी। अब यूरोपीय हथियार बाजार में भारत की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। भारत सरकार और यूरोपीय देशों के कई कंट्रीज के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। और वहीं खबर है दोस्तों, खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी का महाराष्ट्र पुणे का दौरा रद्द हुआ। शहर में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया। वैसे अगले महीने 1 अक्टूबर को पहली तारीख के दिन हरियाणा फरीदाबाद की धरती से विपक्ष पर बरसेंगे पीएम मोदी। हरियाणा इलेक्शन को लेकर चुनावी रैली करेंगे, मतलब है ना। वैसे दोस्तों अक्टूबर महीने में त्योहारों की भी भरमार आने वाली है। दशहरा से लेकर दिवाली तक काफी बड़े त्योहार रहेंगे, इस वजह से तकरीबन 15 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। अक्टूबर के बैंक हॉलीडे की लिस्ट जारी कर दी आरबीआई की तरफ से, ये देख सकते हैं आप। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर देश भर में बैंकों का अवकाश रहेगा। और भी अलग अलग तारीखों की वजह से कुछ तारीखों पर पर्टिकुलर कुछ राज्यों में छुट्टियां रहेगी, बाकी कुछ तारीखें ऐसी हैं जिस दिन पूरे देश में बैंक हॉलीडे रहेगा। 12 अक्टूबर को विजयादशमी, दशहरा है, और भी दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दिवाली वगैरह, इन त्योहारों के चलते अक्टूबर में इन इन तारीखों पर बैंक हॉलीडे रहेगा। चलिए खबर है, इन्वेस्टर्स गलत कंपनियों के चुंगुल में न फंसे, इसलिए अब सेबी और बीएसई सतर्क हो गया। अब कंपनियों के एसएमई लिस्टिंग को लेकर निगरानी बढ़ाई जाएगी, मतलब कंपनियों के आईपीओ लाने से पहले उनकी जांच अब और ज्यादा सख्त तरीके से की जाएगी, ताकि स्टॉक मार्केट में निवेशक बोगस फर्जी कंपनियों में अपना पैसा ना गंवाए, है ना। वहीं खबर है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी विदेश दौरे पर हैं। वहां उन्होंने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, व्यापार, निवेश और भारत के रिश्तों को लेकर चर्चा हुई। खबर है दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय आज नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाएगा। और इस बार पर्यटन दिवस की थीम वगैरह क्या रखी गई है देख सकते हैं। पर्यटन और शांति, इस विषय पर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाएगा इस बार आज नई दिल्ली में। और देखिए, ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय पुरुष और महिला शतरंज टीम नई दिल्ली में सम्मानित की गई। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 45वें ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम को सम्मानित किया। खबर है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि मंकी पॉक्स बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए उचित कार्यवाही करें, क्योंकि WHO की तरफ से भी अलर्ट जारी किया हुआ है मंकी पॉक्स का ऑलरेडी, और अभी हमारे भारत में भी 1-2 केस तो आ भी चुके हैं। इसलिए अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश भर के सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी किया है। वहीं खबर है दोस्तों, अलायंस फॉर इंडस्ट्रीज डी कार्बनाइजेशन में शामिल होने वाली दुनिया की पहली सीमेंट कंपनी बन चुकी है, हमारे भारत की अंबुजा सीमेंट कंपनी। खबर है, एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड ने छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए माई बीज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिस पर आप अच्छा खासा ऑफर बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं। कुछ और वन लीनियर अपडेट देखिए फटाफट से। विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता विनोद बच्चन को यह अवार्ड मिला है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा परिधि 24x25 का शुभारंभ भी किया गया। अरुणाचल प्रदेश की यह पर्वत चोटी अब 6ठे दलाई लामा के नाम से जानी जाएगी। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और साहसिक खेल संस्थान की टीम ने इस चोटी पर चढ़ाई करने की सफलता हासिल की, उसके बाद इसके नाम में भी परिवर्तन किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। यमुना प्राधिकरण यीडा ला रहा बकायेदारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। 31 अक्टूबर तक आप
आवेदन कर सकते हैं इसमें। ओटीएस योजना शुरू की जा रही है अगर आपका भी प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह बकाया है, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद भुगतान का दबाव बढ़ चुका है, तो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आप इस ओटीएस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। वैसे दोस्तों यमुना एक्सप्रेस वे पर अब आपका सफर करना भी महंगा होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से टोल की नई दरें लागू होने जा रही है। 1 अक्टूबर से टोल दरों में लगभग 4% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये देश का सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे है जहाँ से हर दिन तकरीबन 35,000 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं, तो अक्टूबर से ही इस एक्सप्रेस वे पर टोल दरों में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी देख सकते हैं आप। नई दरें क्या होगी, पुरानी दरें क्या थी अलग अलग तरह के व्हीकल के लिए, दोपहिया, जीप, कार, बस, ट्रक, भारी वाहन वगैरह के लिए। वहीं टोल दरों पर एक और अपडेट आ रहा, ग्रेटर नोएडा से आगरा जाना भी अब महंगा होगा, अब आपकी जेब पर ज्यादा भार पड़ेगा, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे पर ग्रेटर नोएडा से आगरा तक भी टोल रेटें बढ़ चुकी हैं। इसकी भी जानकारी आप टेबल में देख लीजिएगा। वैसे टोल टैक्स को लेकर एक अपडेट पंजाब से भी आ रहा है। देखिए पंजाब का सबसे महंगा टोल प्लाजा आज से बिल्कुल फ्री होगा। लाडोवाला टोल प्लाजा मुलाजिम एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया है, कहा कि मांगे पूरी नहीं मानी जा रही है और इसी का विरोध किया जा रहा है, ये वजह कि पंजाब में आज से ये टोल बिल्कुल फ्री किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में क्षतिग्रस्त हुई 44,399 किलोमीटर की सड़कें। सीएम योगी ने 10 अक्टूबर तक सड़कों को दुरुस्त करने और गड्ढों को भरने का लक्ष्य तय किया है। सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया। वही दोस्तों टेलीकॉम यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है। उपभोक्ताओं को अब अनचाहे लिंक वाले संदेशों से बचाने के लिए ट्राई ये नई पहल शुरू करने जा रहा। 1 अक्टूबर से मैसेज में अनचाहे लिंक या गलत लिंक आपको डिलीवर नहीं होंगे। इस तरह के मैसेज भेजे ही नहीं पाएगी कोई भी कंपनियां। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, रिलायंस, किसी भी कंपनी के सिम कार्ड का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो अक्टूबर से ही ट्राई का ये नया नियम लागू होने जाना। वैसे 1 अक्टूबर से और भी दोस्तों आम आदमी से जुड़े कई जरूरी बदलाव लागू होंगे जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। मैंने आपको कल शाम को डीएलएस न्यूज पर ये अपडेट भी बताया था। 1 अक्टूबर से पीपीएफ के भी नए रूल्स लागू होने जा रहे हैं। पीएफ खाता वालों के लिए 5 नए नियम लागू होंगे। अगर आप भी कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी आपकी, अगर आपका पीएफ खाता खुला हुआ है तो 1 अक्टूबर से पीएफ से जुड़े 5 नए नियम भी जरूर देख लीजिएगा। और भी बाकी 1 अक्टूबर से क्या क्या नियम लागू होते हैं मैं आपको आज शाम को अलग से डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना, तो नए नियम का अलग से वीडियो देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल देखिए एक अगली अच्छी खबर, देश भर में घट सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें, 2 से 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गुंजाइश दिख रही है। कल भी मैंने आपको पेट्रोल डीजल की एक रिपोर्ट बताई थी, आज एक और नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमत 3 रुपए तक कटौती हो सकती है। रेटिंग एजेंसी इकरा की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है, क्योंकि अभी तेल कंपनियां भी अच्छा खासा मुनाफा कर रही है, सरकार भी ये प्लान बना रही है, इलेक्शन का भी माहौल चल रहा और क्रूड ऑयल, कच्चा तेल वगैरह भी अच्छी प्राइस पर मिल रहा, तो ये सब कुछ कारण है आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों में अक्टूबर महीने तक हो सकता है 3-5 रुपए तक की कटौती देखने को मिले। वहीं दवाओं को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। देखिए मार्केट में मिल रही 25% दवाइयां नकली हैं। खरीदने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखें तो आप असली नकली दवाओं में पहचान कर पाएंगे। CDSCO की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। कल ही मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था कि 53 दवाइयां तो जांच में फेल पाई गई, और अब उद्योग संगठन SOCHM की रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया कि मार्केट में 1/4 दवाइयां नकली बिक रही हैं। ऐसे में आप नकली दवाइयों की पहचान कैसे कर पाएंगे भले ही वो बिल्कुल असली जैसी दिखती हैं। तो दवाओं पर एक QR कोड भी लगा हुआ होता है दोस्तों, उसको आप अपने मोबाइल फोन में स्कैन कर सकते हैं और बाकी दवा पर उस ऑफिशियल कंपनी के बारे में डिटेल्स भी जानकारी आपको मिल जाती है, जिससे भी आप असली नकली दवा में आसानी से अंतर पता लगा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार का बड़ा फैसला, अब CBI को जांच के लिए कर्नाटक में दी गई सहमति वापस ले ली कर्नाटक सरकार ने। मतलब ये हुआ कि अब कर्नाटक राज्य में CBI जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति लेना अनिवार्य होगा। मूडा केस पर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। वही खबर ये भी है कि कर्नाटक में EV पॉलिसी भी जल्द ही लागू होगी। रोड टैक्स में छूट से लेकर सरकार कई बड़े ऐलान भी कर सकती है। चलिए खबर देखिए, फिर हिली धरती, असम राज्य में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, गनीमत रही कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वही देखिए अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर दोबारा हमले की खबरें सामने आ रही, दीवार पर लिखे हिंदू वापस जाओ के संदेश, अमेरिका के कैलिफोर्निया से यह घटना सामने देखने को मिली है। चलिए खबर है, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की 37 योजनाओं को दिखाई हरी झंडी, 615 करोड़ की राशि से गति पकड़ेगा अब उत्तराखंड राज्य विकास। उत्तराखंड के लोगों के लिए खुशखबरी है, केंद्र सरकार की तरफ से लगभग 625 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया अलग अलग तरह की सरकारी योजनाओं के लिए, जिसमें मॉडल महाविद्यालय के लिए 40 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, शारदा पीठ व मीराबेन घाट का भी निर्माण किया जाएगा देहरादून वगैरह में। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में देखिए अब मैदानी क्षेत्र व पर्यटन स्थलों में लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, परिवहन विभाग इस तरह की भी तैयारी कर रहा है प्रदेश में EV की संख्या बढ़ाने के लिए। चलिए अगली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों की बड़ी मुश्किलें, लग रहा 50,000 रुपए तक का जुर्माना। GST रिटर्न देरी भरने वाले व्यापारियों को अब ये 50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्योंकि UP की राज्य सरकार योगी सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया है। वहीं खबर देखिए, दिल्ली में LG के आदेश पर अब धड़ाधड़ दिल्ली की सफाई हो रही है। MCD ने 2 दिन में ही सड़कों से हटाया 1653 मीट्रिक टन मलबा यानी कचरा हटाया। वैसे दोस्तों GST को लेकर एक आम जनता के लिए राहत की खबर भी सामने आ रही, जल्द ही 100 से ज्यादा वस्तुओं पर GST कटाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि GST संगठन की आने वाली बैठक में काफी चीजों पर GST टैक्स में कटौती बिल्कुल जीरो की जा सकती है। वहीं खबर है, भारत और मिस्र के बीच लघु एवं मझोले उद्यम के क्षेत्र में एक सहयोग समझौता भी हुआ। थाईलैंड ने भी भारत में वीजा आवेदन प्रोसेसिंग के लिए VFS ग्लोबल से अनुबंध बढ़ाया। वैसे थाईलैंड सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया। देखिए अब थाईलैंड में समलैंगिक जोड़े कर सकेंगे विवाह, सरकार ने ऑफिशियली ये कानून बना दिया। बच्चा गोद लेने और विरासत का अधिकार भी मिलेगा समलैंगिक जोड़ों को। वहीं देखिए दिल्लीवासी जरा ध्यान दें,
आवेदन के 24 घंटे के अंदर ही मिलेगा अस्थायी बिजली कनेक्शन। दिल्ली में तत्काल बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब आपको दिक्कत नहीं होगी, सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। वहीं पंजाब में देखिए दोस्तों, 6ठी से 9वीं तक के छात्रों के लिए खुशखबरी है, हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। दरअसल पंजाब में 6ठी से 9वीं तक के स्टूडेंट के लिए डाक विभाग की तरफ से दीनदयाल स्पर्श योजना निकाली गई है और इस योजना के तहत पात्र छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए छात्रों को एक मेधा परीक्षा पास करनी होगी। डाक विभाग की तरफ से आपको कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर स्टूडेंट हर महीने 500 रुपए तक की स्कॉलरशिप पा सकते हैं। वहीं देखिए बिहार में भी सरकारी स्कूल में रसोईया भर्ती का नियम बदला। अब इस सर्टिफिकेट के बिना रसोईया का चयन नहीं होगा। अब आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप किसी असाध्य या संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद ही मिड डे मील रसोईया का चयन किया जाएगा बिहार में। ये अच्छी पहल भी है क्योंकि इससे बच्चों में किसी गंभीर बीमारी के संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। चलिए खबर है संत महात्माओं और कल्पवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 में राशन की दरों में कटौती की है। अब राशन कितने रुपए किलो मिलेगा देख सकते हैं आप नए रेट्स भी। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, गूगल मैप्स पर आया एक नया फीचर। बिजनेस प्रोफाइल पर अब फेक रिव्यू आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि गूगल AI सिस्टम से फेक रिव्यू को डिटेक्ट करेगा। और बिजली बिल को लेकर एक अपडेट आ रहा, उद्योगों को पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की तरफ से यह बड़ा प्लान बनाया गया। वैसे हिमाचल में एक और अच्छी खुशखबरी आ रही, 6,297 प्राइमरी टीचरों की भर्ती होगी। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जल्द इसके आवेदन शुरू होंगे। हिमाचल में NTT के ये 6,297 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से ये टीचरों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से पॉलिसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हो गई नर्सरी टीचर भर्ती के लिए, देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं हिमाचल के युवाओं के लिए नौकरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही, 1800 पदों पर सीधी भर्ती भी होने जा रही है। 29 सितंबर को हिमाचल में एक रोजगार मेले का आयोजन होगा जिसमें आप अलग अलग कंपनियों में 1800 रिक्रूटमेंट होगी टोटल, आप भी जॉब पाने का मौका ले सकते हैं। ये जिला सिरमौर के तहसील कमरऊ में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, ठीक है ना, हिमाचल में। वहीं खबर देखिए दोस्तों, गुजरात के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले पर खबर आ रही है। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 जनवरी 2025 को होगी। बिल्किस बानो केस में भी गुजरात सरकार की याचिका को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां हटाने से इनकार करते हुए कहा कि फिर से विचार करने की जरूरत नहीं है, गुजरात सरकार की अर्जी को खारिज किया। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम मोदी ने हरियाणा के एक चाय वाले से बात की, बोले कि कांग्रेस का लाउडस्पीकर का करंट अब कमजोर हुआ, इनका समय आपसी कलह में बीतता है। वैसे हरियाणा में राहुल गांधी भी चुनावी सिलसिले में बोले कि युवाओं के लिए खोलेंगे रोजगार के रास्ते, किसानों को MSP की गारंटी भी दी उन्होंने। इंडियन आर्मी का नया प्लान देखिए दोस्तों, अब दुश्मनों की खेल नहीं, समंदर में भारत के 4 सिकंदर और तैनात किए जाएंगे जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। वहीं खबर देखिए, न सिविल स्कोर जरूरी होगा, न ही कोई सैलरी प्रूफ देना होगा, अब ULI के जरिए चुटकियों में आपको बैंक लोन मिल पाएगा। दरअसल रिजर्व बैंक की तरफ से एक नया प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है, ULI यानी कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। इस प्लेटफॉर्म पर आप बिना सैलरी प्रूफ के भी आसानी से लोन ले पाएंगे। जैसे UPI चलता ना हमारे देश में, वैसे ही ULI सिस्टम शुरू करेगा RBI, जिससे कि आपको क्विकली डिजिटली तरीके से मोबाइल फोन के माध्यम से ही लोन मिल पाएगा। वही खबर है, अब डिस्पेंसरी मजदूरों को सीधे विशेषज्ञ हॉस्पिटल में कर सकेंगे रेफर। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए छत्तीसगढ़ रायपुर में। और झारखंड के किसानों के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान देखिए, इस राज्य में प्रति एकड़ 5,000 रुपए देने का वादा किया उन्होंने। धान खरीदी के दौरान किसानों को ये और एक्स्ट्रा फायदा दिया जाएगा। वही देखिए दोस्तों, इस राज्य ने छुट्टी बढ़ाने का ऐलान किया, अब 3 की जगह 7 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। तमिलनाडु में ये स्कूल हॉलीडे बढ़ा दिए गए। उड़ीसा में विज्ञान अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई, 16 वैज्ञानिकों का चयन हुआ। खबर है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जुड़ेंगी नमो भारत और एक्वा लाइन मेट्रो, जेवर एयरपोर्ट तक मिलेगी फास्ट कनेक्टिविटी। खेल समाचार से खबर देखिए, DP वर्ल्ड IL T20 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी इंटरटेनमेंट के 15 चैनलों में इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। 11 जनवरी 2025 से शुरू होगी ये पॉपुलर लीग। वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड के 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने नियमितीकरण व मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल की चेतावनी जारी कर दी है। अभी इनकी तनख्वाह 12,000 रुपए, इनका कहना है कि 12,000 में कैसे घर चलाएं साहब, मानदेय बढ़ाएं, इनकी तनख्वाह बढ़ाएं। 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने आज से ही यह हड़ताल का ऐलान किया है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। एक तो आजकल डेंगू मलेरिया काफी फैल रहा है, मैं आपको कहता रहता हूँ रोजाना मच्छरों से बचाव करें। ये देखिए आप, राजस्थान में एक सरकारी महिला डॉक्टर की खुद की डेंगू से मौत हो गई। इनकी 1.5 साल की बेटी तो ठीक हुई लेकिन संक्रमित माँ ने एक ही दिन में दम तोड़ दिया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, केंद्र और राज्य सरकार की जो एक जैसी योजनाएं हैं MP में उनको अब मर्ज किया जाएगा। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने तय किया कि अब कोई भी विभाग नई योजना का ऐलान खुद नहीं करेगा बल्कि वित्त विभाग द्वारा इसका प्रावधान किया जाएगा। नई योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 124 घंटे चला नक्सल ऑपरेशन। जवानों ने कहा कि सरेंडर कर दो, नहीं माने तो घुसकर मारा। 29 जवानों का हत्यारा भी एक ढेर हुआ नक्सली। रेलवे से भी खबर है, छत्तीसगढ़ की 26 ट्रेनें डेवलपमेंट के नाम पर फिर से कैंसिल की गई। और खबर है दोस्तों, अयोध्या में जल्द ही रामलीला का आयोजन होगा। 30 सितंबर को भूमि पूजन होगा, 3 से 12 अक्टूबर तक होगी भव्य प्रस्तुति। 42 से ज्यादा बॉलीवुड कलाकार भी लेंगे हिस्सा। बागेश्वर धाम के पंडित तीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज बिहार बोध गया में जाएंगे, हालांकि यहां उनका दिव्य दरबार नहीं लगेगा, होटल में ठहरेंगे। वहीं देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जैसे ही झारखंड में भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से बाहर किए जाएंगे 50 बेड तक के छोटे अस्पताल। चिकित्सकों की काफी समय से ये मांग थी तो आखिरकार झारखंड सरकार ने सुन ली है। वहीं पंजाब सरकार को हाई
हाईकोर्ट का निर्देश, 15 अक्टूबर से पहले NHAI को सौंपे जमीन, DGP और SSP करें निगरानी। बिहार पटना में बनेंगे 3 नए 5 सितारा होटल, 450 कमरों के साथ मिलेगा आधुनिक सुविधाओं का लुत्फ। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों से अभिभावकों का मोहभंग देखा जा रहा। 5,500 ऐसे स्कूल रहे इस साल जिनमें एक भी एडमिशन नहीं हुआ पहली कक्षा में, क्योंकि माता पिता सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराना ही नहीं चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं जबकि वहाँ फीस और ज्यादा होती है। वहीं देखिए झारखंड हाईकोर्ट का भी बड़ा फैसला, हेडमास्टर पद पर पदोन्नति में सीधी भर्ती वाले शिक्षकों को मिलेगी वरीयता। और छत्तीसगढ़ CG व्यापम से अपडेट देखिए, प्रयोगशाला तकनीशियन मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित किया गया, अब ये एग्जाम 6 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी एक बड़ा बदलाव लागू करने जा रही योगी सरकार, अब अभिभावकों को भी स्कूल बुलाया जाएगा, मतलब प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों में भी PTM का आयोजन होगा। PTM मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित होगी सरकारी स्कूलों में भी, है ना। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में अब सस्ता होगा मानचित्र पास कराना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये नियम भी बदल चुके हैं, UP विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बदलाव किया गया। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, महिंद्रा थार रॉक्स 4x4 लॉन्च हुई, शुरुआती कीमत 18,79,000 रुपए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जंग के हालातों पर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच भारतीय सेना ने एक सफल ऑपरेशन किया, एक घायल जवान को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं लेबनान में जंग रोकने से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इनकार कर दिया। इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ को मार गिराया, जबकि अमेरिका फ्रांस ने कहा था कि 21 दिन तक युद्ध रोक दो, मगर नेतन्याहू ने उन्हें अनसुना कर दिया और सेना को बड़ा आदेश दिया फिर से आक्रमण करने का। तो ये कुछ माहौल चल रहा दुनिया में जंगी हालातों का। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मेष राशि वालों के इनकम सोर्स बने रहेंगे, निवेश के लिहाज से वृष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लोग कामों और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाएं, वृश्चिक राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुंभ राशि के लोग फायदे नुकसान पर ध्यान देते हुए काम करें तो लाभ मिलेगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार ऑस्कर 2025 के लिए भारत से कौन सी फिल्म चुनी गई, कमेंट करके लिखना आपको उस फिल्म का नाम। चलिए मैं आपको फिल्म का पोस्टर भी बता देता हूँ, ये उस फिल्म का इमेज है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।